भारतीय किसान मजदूर दशहरी संगठन का 3 दिन से धरना जारी। तहसील अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने 48 घंटे से किया अन्न जल त्याग। आपको बताते चलें कि जनपद हरदोई की ब्लॉक पथावा का ये एक मामला है, जहां पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा चक रोड पर बनी दीवार हटाने के लिए 3 दिन से बराबर धरना जारी है। ग्राम सभा झरोइया में चक रोड पर दबंगों ने दीवार खड़ी कर दी है। अपर जिलाधिकारी हरदोई संजय सिंह से वार्ता हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यूनियन के जिला अध्यक्ष पुनित मिश्रा ने हमें बताया कि SDM संडीला मनोज श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया था कि दबंगों द्वारा चक्रोड के ऊपर बनाई गई दीवार गिराई जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके द्वारा दिए गए आश्वासन को लगभग 2 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है। हमारे तहसील अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बीते 48 घंटे से अन्न जल का त्याग कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा धरना ऐसे ही जारी रहेगा और वह मरते दम तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अगर उन्हें कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी हरदोई प्रशासन की होगी। आखिर क्या कारण है कि पिछले 2 माह से उप जिलाधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं? बड़ी सोचने वाली बात है। आने वाले समय में क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अनिश्चितकालीन इस धरने में पुनित मिश्रा, सत्येंद्र सिंह, पवन विश्वकर्मा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया 100 न्यूज हरदोई से रामकिशोर मस्ताना की रिपोर्ट। जय किसान। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन, पवन विश्वकर्मा जिला उपाध्यक्ष। आप सभी किसान साथियों को सादर अवगत कराना है कि बीते 3 दिनों से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, जिसको लेके जिसके हमारे तहसील अध्यक्ष अन्न जल त्याग चुके हैं। आज तीसरा दिन है और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता हमारे तहसील अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह जी अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। दबंगों द्वारा चक्रोड पर दीवार खड़ी कर दी गई है, जब तक वो दीवार गिराई नहीं जाती तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और सत्येंद्र सिंह जी भी अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। झरविया ग्राम के बाहर प्रताप नगर बेनीगंज मेन मार्ग के किनारे किसान कुटी पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा। जय जवान जय किसान।